क्यों जा बाप जी, घर घर में आई राड है, ऊंचा चढ़ चढ़ देखो और घर घर ओई लिखो। आओ मैं सुनाऊ थाने एक कहानी। सुबेदार जी राम राम। जय हिंद। सिगार बहुत जोर को ले आया, कदे चास भी लिया करो। एक बंदूक भी ले रखी है बहुत जोर की है, तू कहे तो गोली मार दू। नहीं, आज कैंटीन में जा रहा है थी क्या? हाँ। तो आज कैंटीन में क्या? बटका का फूल गाल के आयो। मेरो के बाग मतलब ब्याह को नहीं, रमड़ी की बोतल ले आए हो गए? अरे ले आया अपन सल्टा दी है? तो बॉस दरी को नहीं, सरकार को नयो ब्रांड कर दी। अब क्या चालू? मैं कौन सल्टा है? तेरा बरका बहुत है गेला कमाए, मैं सल्टा दी। तो फिर साफ साफ ये कह दो मन देनी को नहीं। तो कौन देनी यहां समझ ले? दे तो सीरियस हो, यहां को नहीं मतलब तो बीजी तो गड्ढा रो है ना। बीजी को मतलब बावली गोहन हुए और वो मैं कोई नहीं। मेरो केबा को मतलब ते ठाला दर रोई को नहीं के कणाई कणा जाना तो रहता ही उला ठाला रवा क्यों कोंद रवा रवा ठाला भी रवा। तो जख दिन ठाला रोज भी दिन के करोते जख दिन जिया गोली साफ कर लिया, तोप के पोचो मार लिया, बम माज लिया, समझ को बंदूक में फलतरू मार लिया। तो साहब ए तो सरकारी काम होगा, हका पर्सनल जे दिन ठाला रो भी दिन के करोते जख दिन गए जख दिन गाल काटा। अच्छा पाकिस्तान जान गए? हां बंद तो काटना ही काटना के बाद में बंद करता था गांव में बढ़ता ही तमाशे आया लुम्बा ने रम की बोतल ले आओ फौजी साहब बंद। देखो मेरा तो फौजी साहब मेरा तो जच्चा ही को नहीं, मैं देसी पीणियो के करसी रम को। हां तेरा रम बादी कर जाए, इतने घंटे के घी जम के जाओ जाओ छोड़ दोगे। अच्छा दादा ऐसे देखो लो। तो सूबेदार जी तो ते मिल ही लिया, अब मिला थाना की बेटी हूं। अरे तुम चोट लग जाए तो मलम पट्टी कर देंगे। ये रामी कर को दिन सुधो को नहीं आवे, ये बीन नहीं टेलीविजन का माय बढ़ गया नहीं, कोई काम कर ले दिन उग गया चना ही का माय बढ़बा लागी ही, कोई काम तो कोनी सुझे रे बस टेलीविजन टेलीविजन बाहर निकल रहा, कोई काम कर ले। ओ शिकाय हो गए माजी दिन गया पहली टेलीविजन देख देख नाटक रहे ऐ नाटक कर बोक रहे। मम्मी जी नाटक तो करो कोनी नाटक रहे थानी बेरो बढ़ जाए। ये बीननी नाटक में कसर काई रहेगी, स्टेज पर नाच वो बाकी है और छाती में गोटा तो मेरा पूरा दे रखा है। शिकायत है माजी काम। देखो मम्मी मेरे मम्मी पापा को नाम लिया, आप बात बर्दाश्त कर पा रहे हैं, बाद में चौकी कौन लगे ली बात? हो चौकी नहरी को नहीं लागे, चौकी तो आई कौन लागे? बीननी तुम्हारा नहीं बनी बैठी रह मैठा थारे बीननी बनी बनी आगे फिर वो करूं। साल 35 उगी घर में बीननी बना रहा पर कहते थारे नाम यहाँ मारा नहीं बनर कौन बैठी। सुबह 4 बजे उठ रहे पीस पीस गालती था तो पीछे पीछे मिल रहे जखी कमाए थाने जोर आवे मेरे मम्मी पापा के बारे में की मत किया करो। मारा जी जाना है? ओ थारो बेटो जी तो है जना मारा नहीं बने फिर हूं है रुक जाओ एडवर्टाइज आज से जना कर देसी काम देखा जना काम काम काम। ओ मार लो छोरो जी तो है ने जत्ते ही तू मारा नहीं बनी फिर है और मारो छोरो क्यों मर जाए बोलो दोरो फाड़ियो है मरो तेरा जलम देनिया तेरा बीरा रात का तो बर्तन पड़िया है बेकोनी पूरा को ढिग लाग रही है अरे बापड़ी बेट टेलीविजन का घर देखे है बन रही है महारानी अवे बात है। माला माँ बाप और मतलब बीरो की उम्र है मरो थकला मैं तो ये घर में आज रू ना काल रू आ चाली थार लाई मर्सी है जा बेटा तो राजा रावण का ही कोनी खटाई तू कताल दिन खटा सीधा हे मैं आ चली जा बन। पापा ओ पापा की जाओ पापा कौन है भाई
ओए होए लाडो, आज तो बिना बताया ही सरप्राइज, वेरी गुड। के बात है बेटा, आज मूड भी खराब सो लाग रहे है, बिना बताए ही बिना समाचार ही। मन कहते तिमा जा तो ले बने पापा ने, तो मैं साथ रे जाऊं ना भूखो, या तो बड़े सासू रे सी मैं रेशु। क्यों तेरी सासू क्यों कह दियो बेटा, कह दियो तो तुमने बता, यहाँ की गद की जात सीधी कर देसु मैं, यहाँ का कर दू मुकदमा। लोग सुबेदार कहे मैंने काई बात हुई, मैं पूरी बात बता। पापा गंडा की पूछ कर दे सिद्धि को, बाबी भी आन की है, बात बात की कुछ नहीं रखे। मेरी बेटी के बात बात की कुछ नहीं रखे, तू तो कह गंडे की पूछ सिद्धि को नहीं, मैं यहाँ की फूकनी गाल दू, वो पूछ बाकी को नहीं। वे लोग मैं सुबेदार कहे, पर बेटा तुम घर छोड़ के नहीं आनू हो, ये मैं थोड़ी बेइज्जती हुआ के फलाना की छोरी घर छोड़ रहा है, सासुर छोड़ रहा है, बैठे बैठी नहीं सिद्धि करता मैं। पापा घर तो मन मजबूरी में छोड़ना पड़ो, जगह कहते गेल करी बे कहेंगे दोनों सासू वो एडजस्ट हो जाओ, खड़े से एडजस्ट हो जाओ, बस सारे दिन बात बात की कुछ नहीं करे, मेरे से तो कोनी हो जाए। तो न तो तेरी पावना सुनता है और सासू कुछ नहीं रखती है, इसका तो इलाज करना पड़ेगा फिर। पापा ये इलाज तो मेरे करना मन करे, वो बड़ो मौसम मार दियो, लेकिन मैं सोचू काल ना गाऊंगा कहीं कैसी थारी बेइज्जती है भी कमाइन। बेटा बात तो तेरी सही है, पण सास रहूं बेटी जद मत्ते चाल राजा है ने, जद भी बाप की बेइज्जती तो वह, तू मन फोन कर देती बिको, मैं यहां कोई इलाज कर दे तो जिंदगी भर याद रखती, कोर्ट मार्शल कर दे तो मैं बिको। फिर भी तू एक काम कर, तू योजना से काम ले, तू गांव वापस जा आई पगा, और जाके माफी मांग बुढ़ा चिपड़ा बिन एकदम बेला ले, तन्ने मैया का कुछ चीज दूंगा स्लो पॉइजन की, फिर 30 दिन बुढ़ा बुढ़ा के खुआनी है, हाँ मम्मी हाँ मम्मी हाँ मम्मी बुढ़ा के खुआ, 30वें दिन तेरी सासू जी ऊपर तू आराम घर की चाबी फेर कर ऐस कर, न तो कोई लड़ाई न कोई दंगल, लड़ाई तो बिकी तो है बुढ़ती की, और पाऊंगा तो सही है, तू टेंशन मत कर बेटा, मदन मिठाई का लाडू दे दूंगा, बस लाडू दे बिन बुढ़ाए सेवा कर, 30 दिन की तो बात है, 30 दिन बाद में तो तेरो राज है, सूबेदार जी की बेटी है तू, पर अपन ने अक्लू काम में लेनू है, नहीं तो के लोग ढूंढ गए रहे, समझ गई कैसी बात, बेटी ही सासराम को नहीं खटाई अच्छा आएगी। पापा भी की सेवा तो मैं 30 दिन को नहीं 30 दिन कर देशू, क्योंकि तो इलाज हो जैसी ना, इलाज 30 दिन में तो यहाँ को इलाज जागो, सांप भी मर जागो, लाठी भी कोई टूटे, मेरे कर लाडू बना डा पड़ा है, बाम यहाँ को स्लो पॉइजन मिला के दूंगो, तू तो बिन किया जिया बुढ़ा चिपड़ा के 30 दिन खुआ दे, 31वें दिन सीधो बैठ भाई आऊंगा मैं। ले बेटा 30 दिन तो है तेरी सासू का, 31वें दिन मालिक है तू, ध्यान तन कोई राख लो के 30 दिन तेरी सासू ने बुढ़ा चिपड़ा के रखनी है, लड्डू खुआना है बिन दी के बाद में देख सुबेदार जी को रंग, अरे अब जल्दी कर बेटा। बेगी आई ने गई ने फल डगर, मेरा मम्मी पापा कन जासु जाही बेगी, तो आई हूं, आई हूं तन सल्टा बदनी, ले मम्मी जी कलेओ कर लियो पूरे है कलेवा, मम्मी जी मैं गुस्सा गुस्सा ज्यादा बोल दी, मैं गुस्सा आ गो, माफ कर दो ने, मेरे मम्मी तो हाथ को नहीं, तो मैंने बेरो को नहीं कि तरीका से ना बात करनी चाहिए की तरीका से नहीं करनी चाहिए, थे मेरे माँ से मानो, माफ कर दो मन। तो मैं तो तन कोई काम खातिर की हो या तो हाथ को नहीं भाई, मैं तन कोई हाँ तो मम्मी जी गलती होगी बोल दी मैं थारा समय, अब माँ हो माफ कर दो, देखो मम्मी जी जटा तक मैं कलेवो नहीं करेला और मन माफ नहीं करेला ने, बड़ा तक थारी सोगना लियो, मैं भी रोटी बन खाऊंगी। ठीक है तू काम कर ले, मन कोई बुरी थोड़ी लग गया, अब झाल आ जाए मैं भी एक ही हूँ, हर क्यों कहती हूँ, कर ले शुक्र लो, जा तू भी रोटी खा ले, काम कर ले कोई, ला खट्टा है बोला टूबा खा ले।
जा तू भी रोटी खा ले कोई काम कर ले। मम्मी जी तैयार ना कर रहे हो काम कर लियो शू उठे लड्डू खा लियो। ए बेटा तू ना वही जमा दे के हाथ तो लगा तू छोरी चुप पास के खा ली बेटी करू खाली भाई बिंदनी बेटा साथ बेटा ध्यान रखे भाई ये की तो बेटी ना भी चौकी है। बंद कर बेटा इन पहली रोटी खा दो बज रहा है क्यों मरती मरे कार जो तो माए बैठे है लाग रही है काम के चल पहली रोटी खा पूरे सारे दिन काम काम। राम जी महाराज निरोगी राखो तन पर मारी जकी बुहन ने बातो मारी बेटी है बेटी दी और मारो तो बेटी आगी मारो तो ध्यान रख है मत पूछे बात दिन गया पहले कल्यो करा देर पूरो करा है काम मारी सी बींदनी तो गांव में कोई कही को नहीं। राम जी महाराज भी निरोगी रखो और बिन जलमणी है ने बाकी हजारी मरू। अरे भाई देख मैं थोड़ा सो काम कर सू मेरे ज्यादा नको सुना हुआ जी ठीक है रखू बोल रोटी खा दो बजे क्यों मर नहीं मरा मम्मी ओ मम्मी हाँ क्या सोते हो क्या की सोती हूँ बेटा दो तीन दिनों कहाँ था यार जिसो घबरावे है उल्टी सी उबार चीख रहा है जी मचलावे है बेटा चिंता तेरी सासू का मम्मी थाने एक बात पूछो के बुरो नहीं मानो तो बोल बेटा मैं पापा से मिल आऊंगी एक घंटा ही सगव जी हो गए हाँ मिल लिया तो अब काई काम है मैं तो दोपहर में सुती हूँ गाड़ी ले जा ड्राइवर भी जाए बोलो जो को मिल लिया मैं थोड़ी देर में वापस आ जाती हूँ ना। हाँ कोई बात नहीं तो मोड़ते अजय जी कोई काई काम है तो अति कोई ज्यादा श्रद्धा बेश्रद्धा कोई नहीं तू जा मिल यार सगो जी ने मारा राम राम दीजिए कीजिए बने पापा। हाँ बेटा उपरी आ जा पापा जी पढ़ना राजीरा बेटा के बात है सरप्राइज पर सरप्राइज बिना बताए आ रही है तेरी सासू को काम तो जिसको ने अब तो ठीक है पापा क्यों ठीक होनी मैं तो टाबरी लेकिन थी तो समझदार आने क्यों भी करो लेकिन मेरी सासू कुछ ही नहीं होना चाहिए का क्यों नहीं होना चाहिए सासू का तो होना चाहिए बेटा जल्दी तेरा चाबी हाथ में आवेगी सासू बूते सागे रह नहीं सको पाऊं तेरा कया मैं को नहीं जना करा गई सासू तो जापा दे बेटा चिपा दे नहीं पापा सासू मेरे कौन पार पड़ा अगर मेरी सासू मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी कुछ भी करो चाहे लेकिन मन मेरी सासू चाहे के बात होगी 20-25 दिन पहले तू आई जना तो के मेरी सासू के सागे मर रही कौन सुकू का तो बा मरसी नहीं मैं मरसू मन न्यारी कर दियो फलान कर दियो आज का मन मेरी सासू चाहे ए कोई सिखला रहा थोड़ी है ऐसी के बात होगी जो तू कह भाई मेरी सासू क्यों नहीं होनी चाहे पापा पहले मैं बाकी सब में बोलती आजकल मैं थारे खेबा पे ना सिर्फ थारे खेबा पे बस दिखावटी प्यार करो मेरे साथ तो प्यार करे लगा सच्ची में कि मैं बाको प्यार देकर मन बस प्यार होगो मैं बाकी बिना कौन रे इसको मन मेरी सासू चाहे मन कौन मेरे पापा अच्छा ए टाबनाला खेल है मन मेरी सासू चाहे या कौन चलिया करे बेटा रिश्ता का मां झुकसियो ने जना ही रिश्ता चालसी पापा जे कुछ भी करो प्लीज और मेरी सासू चाहे देख बेटा तू कह रही है कि मैं मेरी सासू कन बुढ़ापा पे ही प्यार करे और बात तेरे अक्को प्यार करे लगी जखा की कोई हद को नहीं आज तू भी की जान बचाबा का तर रो रही है तो आई बात मतन समझा बोचा रहे हूं कि बेटा अगर रिश्तो बना राखनो ने तो भी कदी झुकनो पड़े थोड़ा सा झुकी तू थोड़ी सी झुकी बैठी सासू भी पूरी झुकी आज तू तेरा सासू कह तेरा तो माँ बेटी को सो प्यार हो रही है आज तू मनो ओल मु दे रही है जखा दिन मतन कह तो ना तेरी सासू को नहीं रहे इं रहे तो तू मेरी बात को नहीं मानती तू मनो ओल मु देती तो बेटा राजी रहे घर जा तेरी सासू की सेवा करे मत तो कोई गयो भी तो इंसान को नहीं कभी का लाडू हम जहर मिलाऊ कोई मिन्नत की जान लू अगर अपन ने रिश्ता बना रखना है न तो भी के लिए झुकनू ही पड़ सी आज तू झुकी
तेरो परिवार एकदम कुशाल रहसी, नो टेंशन नो फिकर, गांव गाड़ो दा जिला सिकट जा घरा तेरी सासू की कर सेवा बाय। अच्छा पापा जी बेला डोम झेरगुन मिले हो ना बेटा ना, भगवान को लाख लाख शुक्र है, थैंक यू। जगह का घर का समझदार हुए ना, बाका घर में कदे राड बनी हुए कहानी कसी लगी कमेंट कर जरूर बता दियो। राम राम। हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और हम पारी कर रहे हैं, पारी हो रही है दोस्तों। और मैं हूँ और मेरी पंचदीप है और मैं एग्जाम के लिए तैयार हूँ, पारी हो रही है और मैं एग्जाम के लिए तैयार हूँ। ज्यादा चौंक बाकी जरूरी को नहीं, मैं एग्जाम में तैयार हूँ ये डायलॉग पर थे भी था का दोस्तों के साथ वीडियो बना के राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी कोई सी भी भाषा में मारकन ई नंबरा पर व्हाट्सअप कर सको हो और बढ़ सको थे महाराज सुपरस्टार और जीत सको हो पुरस्कार, क्योंकि पंचदीप में कॉन्टेस्ट चालू है, हम एग्जाम के लिए तैयार हैं।